हे गाइस, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं वॉल्फ रीअरेंजमेंट की और उनके साथ ही उनका एप्लीकेशन यानी सिंथेसिस की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वॉल्फ रीअरेंजमेंट, और अगर हमें एक स्टेटमेंट लिखना है कि जस्ट एक हमें याद आ जाए, एक शॉर्ट टर्म लिखनी है वॉल्फ रीअरेंजमेंट के लिए, दिस इज द सिंबल फॉर द रीअरेंजमेंट, राइट? तो वॉल्फ रीअरेंजमेंट के लिए हमारे पास बहुत शॉर्ट वे में, अगर हमें मेमोराइज करनी है क्या होता है इसके अंदर, मैकेनिज्म तो हम करेंगे। दिस इज़ द एल्फा डाई अजोकिटोन। हमारे पास बेसिकली एल्फा डाई अजोकिटोन होगा, और एल्फा डाई अजोकिटोन का हम हीट या लाइट की प्रेजेंस में, हम हीट या लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट करेंगे इसका किटीन के अंदर कन्वर्सन। और एक बार हमने किटीन बना लिया, किटीन बनाने के बाद हम न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करके, न्यूक्लियोफाइल का यूज़ करके सिंथेसिस कर सकते हैं काफ़ी सारी, इसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट, दिस इज़ द वॉल्फ रीअरेंजमेंट। और काम क्या है इसका, एल्फा डाइअजोकिटोन को कन्वर्ट करता है किटिन में। मैं कुछ थ्योरी भी लिखना चाहूँगी ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ये थ्योरी बेसिकली कुछ नहीं है, इस थ्योरी में सिर्फ इतना बता रखा है कि आप इस रिएक्शन में कर क्या रहे हैं। आपके पास क्या होगा, वेन एल्फा डाई अजोकिटोन, जब आपके पास एल्फा डाई अजोकिटोन होगा, राइट? एल्फा डाई अजोकिटोन को हम डिकम्पोज करने वाले हैं, आर डिकम्पोज आइदर, राइट, थर्मली और फोटोकेमिकली। आप इसे थर्मली भी कर सकते हो, यानी कि आप इसे हीटअप भी दे सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज दैट यू फोटोकेमिकली, यानी आप लाइट की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन को कंडक्ट करा सकते हो, फोटोकेमिकली, थर्मली एंड द फोटोकेमिकली। देन देर आर रीअरेंजमेंट, देन यहाँ पर क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट होगा। इसे ये सिंबल है रीअरेंजमेंट का, टू किटीन, और किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, आपकी किटीन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसी को कहा जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ वॉल्फ रीअरेंजमेंट। सो ये कई बार पेपर में अगर आपका डेफिनेशन आता है लिखने के लिए, मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपार्ट बात करो, तो वॉल्फ रीअरेंजमेंट को एक लाइन में लर्न करने का यही तरीका है कि अल्फा डाइअजोकिटोन लेना है, उसके अंदर हमने हीट या लाइट डालना है, और हमारे पास किटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हमें समझने की जो बात है वो ये देखना पड़ेगा कि अगर हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, वेन द डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन वंस ऑफ द लाइट, अगर आप लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हो तो यहाँ पर कार्बिन का फॉर्मेशन होगा एज अ इंटरमीडिएट। बट ऐसा नहीं होगा कि अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर यानी हीट की बात करोगे तो कार्बन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। सो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ इस रिएक्शन में होने वाला क्या है। आपके पास क्या होगा, RCOH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे पहले एड ऑन कर रहे हो SOCl2, राइट? SOCl2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बहुत सिंपल होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SOCl2। नाउ यहाँ से हमारे पास कुछ कंपाउंड रिलीज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाला जो HCl है ये इजिली रिमूव हो सकता है। सो मैं नीचे लिख देती हूँ कि यहाँ पर मेरा HCl रिमूव हो जाएगा। अगर यहाँ HCl रिमूव होता देन व्हाट आई गेट, तो मुझे मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, बिकॉज दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंबाइन विद ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। अब इसका किसके साथ बॉन्ड बन गया, सल्फर के साथ, दिस इज सल्फर एंड डबल बॉन्ड O, और उसके साथ क्या है आपका क्लोरिन, आपका ये एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है? बेसिकली ये आपके पास कंपाउंड बनेगा। एज यू नो वेरी वेल, दिस इज कि आपका जो CO2 गैस, सॉरी SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो यहाँ से रिलीज हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड मैकेनिज्म भी करेंगे हम, यहाँ से हमारा जो SO2 गैस है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और मेरे पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यहाँ से SO2 गैस रिलीज हो गया, और यहाँ जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है? आपके पास एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। नाउ एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होने के बाद आप इसके अंदर एड ऑन कराओगे CH2N2, जिसे आप क्या कहते हो, दिस इज अ डाइएजो डाइएजो मिथेन, दिस इज अ डाइएजो मिथेन। ये जो नेगेटिव चार्ज है पर्टिकुलर कहाँ अटैक करने वाला, कार्बोनिल सेंटर पे, एंड यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या है आपका, यहाँ से लिविंग ग्रुप क्लोरिन है, वो क्या हो जाएगा, रिमूव। लिविंग ग्रुप क्या है आपका, क्लोरिन, वो रिमूव हो जाएगा, और मेरे पास फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH, यहाँ पर हाइड्रोजन, राइट? और इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि इस तरह से हम डाइएजो बनाएंगे। अब बेसिकली आपको ये पता है कि यहाँ से क्या रिमूवल होगा, यहाँ से हम किसका रिमूवल करा सकते हैं, ईजिली हम यहाँ से किसका रिमूवल करा सकते हैं, इस हाइड्रोजन एटम का हम आसानी से यहाँ से रिमूवल कराएंगे। सो जैसे ही मैंने, क्योंकि ये बेसिकली एक साथ स्टेप होता है, ये वाला जो Cl नेगेटिव होगा और ये हाइड्रोजन होगा, ये एक साथ कंबाइन होकर निकलता है। यहाँ से मैंने H+ को रिलीज़ किया, मतलब जो मेरा हाइड्रोजन है वो यहाँ से एलिमिनेट हुआ, और अगर यहाँ से H+ जाता है तो मेरे पास फॉर्मेशन किसका होने वाला है, कार्बिन का। आप देख सकते हैं कि मेरे पास, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी कार्बन के पास रह जाएंगे, और यहाँ कनेक्ट है ये किसी फर्दर नाइट्रोजन
और कुछ इस तरह से ये कनेक्ट होगा। अब मैं यहाँ से, मुझे पता है कि मुझे क्या डालना है, यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ बच्चा हीट, लाइट, मैंने लाइट डाला है। आपको पता है लाइट के प्रोसेस में क्या होने वाला है, ये जो नाइट्रोजन गैस है ये यहाँ से क्या हो जाएगा रिमूव, लाइट क्या करेगा नाइट्रोजन गैस को रिमूव करेगा। लाइट ने जैसे ही नाइट्रोजन गैस को रिमूव किया तो फॉर्मेशन किसका होगा, आर सी ओ, और यहाँ पर आपका आ जाएगा सी एच रेडिकल। पॉइंट टू बी नोटेड, सी एच रेडिकल आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अभी इसके बाद बहुत सिंपल है, बेसिकली किटीन बनने जा रहा है। तो कन्वर्जन कुछ इस तरह से होता है कि जैसे ही आपने ये जो कार्बिन के इलेक्ट्रॉन है, आपके पास ये जो कार्बिन के इलेक्ट्रॉन है, इनको आपने इस पोजीशन पर फॉल कराया, तो ये वाला आर और कार्बन का जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा, और ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये मेरे इस सी एच के साथ होगा। अगर आप यहाँ पर नंबरिंग कर दें ताकि आपको ईजिली समझ आए, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री, मैंने एक रैंडमली बताया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास ये कार्बन नंबर टू है जिसके साथ ऐसा कुछ लगा हुआ है, कार्बन टू और कार्बन थ्री के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। कार्बन थ्री है जो उसके पास कार्बन और हाइड्रोजन पहले से ही था, अब एक उसके साथ नया कौन सा ग्रुप आ गया, आर ग्रुप आ गया, और इसी को कहा जाता है किटीन, दिस इज मेकिंग किटीन। आपके पास किटीन का फॉर्मेशन हो गया। आप वॉल्फ रीअरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या ही बनाते हैं, किटीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे बनता है किटीन, अल्फा डाई अजोकिटोन, वेर इज द अल्फा डाई अजोकिटोन, दिस इज द अल्फा डाई अजोकिटोन, ये है मेरा अल्फा डाई अजोकिटोन, ये मेरा अल्फा डाइएजोकिटोन है, इस अल्फा डाइएजोकिटोन से मैंने किटीन का फॉर्मेशन किया है। पर मैंने ये भी आपको बताया कि अल्फा डाइएजोकिटोन बनेगा कहाँ से, हम कहाँ से बना रहे थे इसको, हमने इसे बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड से। जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर हमने इसका किटीन का फॉर्मेशन किया। तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर जनरेट होता है, दिस रीअरेंजमेंट जनरेट अ किटीन इन द एब्सेंस ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल। अभी हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हमारे पास यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है और हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया, हमने फिर भी यहाँ पर जनरेट कर दिया अपना किटीन को जनरेट कर दिया, तो ये हमारा वॉल्फ रीअरेंजमेंट बन जाता है। जैसे इसे ही कहते हैं वॉल्फ रीअरेंजमेंट, कि द अरेंजमेंट जनरेट अ किटीन इन द एब्सेंस ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल, सो वी कैन आइसोलेट ईजली द किटीन। हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ईजिली आइसोलेट कर सकते हैं अपनी किटीन को, हम यहाँ पर आसानी से अपनी किटीन का आइसोलेशन कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि फिर यहाँ पर हमारे पास एडल्ट एस्टेट सिंथेसिस क्या हो जाएगी, ठीक है, हमारे पास सिंथेसिस क्या हो जाएगी, तो सिंथेसिस क्या हो जाएगी वो थोड़ा समझ लीजिए। ये बड़ा सिंपल है सिंथेसिस के लिए अगर हम बात करें, तो मेरे पास क्या होता है, हमारे पास है ए आर एन डी, स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान रखिएगा, एस्टेट सिंथेसिस या स्टार्ट सिंथेसिस, क्योंकि हम स्टार्ट सिंथेसिस से इसको याद कर लेते हैं। स्टार्ट सिंथेसिस में क्या है, बेसिकली इसमें उसने ये कहा है कि अगर आप क्या करते हो, जनरेशन ऑफ किटीन इज कैरिड आउट इन वंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर आप किटीन का जनरेशन कर दिया आपने, ठीक है, बेसिकली आपने किटीन का जनरेशन कर रहे हो और वहाँ पर किसकी हेल्प से कर रहे हो, किसी न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से कर रहे हो, मतलब यहाँ पर लिखा था मैंने एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ मैं वर्ड यूज़ कर सकती हूँ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो उस सिंथेसिस को हम कहते हैं स्टार्ट सिंथेसिस, ठीक है, उस सिंथेसिस का नाम ही बन जाएगा हमारा स्टार्ट सिंथेसिस। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कहा कि मेरे पास जनरेशन होता है, जनरेशन ऑफ किटीन, मैं इसको साथ साथ लिखना चाहूँगी जनरेशन, और इसको आप भी बिल्कुल एज सच लिखिएगा, अगर आप एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल जितना मैंने लिखा है इतना भी मोर देन सफिशिएंट है। हाँ ये कि आपको एग्जाम में थोड़ा स्टेप बनाने पड़ते हैं तो आप स्टेप के फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। जनरेशन ऑफ किटीन इज कैरिड आउट इन द वंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर आप इनमें से कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे लाइक मैं आपको न्यूक्लियोफाइल बता देती हूँ, लाइक आपने वाटर ले लिया, ठीक है, OH नेगेटिव आने वाला, आपने NH3 ले लिया, आपने अल्कोहलिक ग्रुप को ले लिया, तो यहाँ से कौन कौन सा आपका कंपाउंड फॉर्म्ड होने वाला है। देन अगर आप पानी ले रहे हो तो पानी से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, अगर आप NH3 ले रहे हो तो वहाँ से अमाइड का फॉर्मेशन होगा, अगर आप यहाँ पर अल्कोहल ले रहे हो तो आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आपने क्लास 10th में भी रिएक्शन पढ़ी है। पर मैं सबका डन कराती हूँ कि कैसे कैसे आंसर करना है। देखिए आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर RCH होगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड बना होगा, ऐसा कंपाउंड हमने बनाया, इसी को हमने किटीन कहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, दिस इज आर सी एच डबल बॉन्ड सी ओ, दिस इज अवर किटीन, ये मेरी किटीन है। मैंने किटीन का क्या कर दिया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, कैसे रेजोनेटिंग बनाया, इसको यहाँ पर शिफ्ट किया, बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा कार्बन पर पॉजिटिव होगा, तो मेरे पास बन जाएगा आर सी एच नेगेटिव और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ओ और इस कार्बन पर प्लस चार्ज, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब मैं सामने से एडिशन कर रही हूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना है, सामने से एडिशन करना है,
सामने से एडिशन किस किस का कर सकते हैं हम यहाँ पर? सामने से हमने एडिशन किया, सपोज मैंने इसमें ऐड कर दिया एच प्लस ओ एच नेगेटिव, यानी ये मैं वाटर का एडिशन कर रही हूँ। तो आपको पता है कि प्लस वाला कहाँ चला जाएगा, प्लस वाला कहाँ पर मूव करेगा? यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पार्ट है दे कैन मूव ऑन दैट, और ओ एच नेगेटिव पार्ट कहाँ करेगा? यहाँ पे। और अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे पास फॉर्मेशन किसका बनेगा, देखिए आर, ये सी एच के साथ एक और हाइड्रोजन आ गया, दिस इज सी एच टू, यहाँ पर इस कार्बन के साथ ओ एच आ गया, तो ठीक है दिस इज डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, ये क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो बना, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। पर मेक श्योर कि आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है आप लेकर क्या चले थे, आप लेकर चले थे आर सी एच ओ, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, ये आर सी एच टू यानी हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लाइक अगर आप लेकर चले थे, लाइक आप लेकर चले हो यहाँ पर इथोनिक एसिड, अगर आप इथोनिक एसिड लेकर चले थे तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर आप यहाँ पर वॉल्फ रीअरेंजमेंट या सिंथेसिस करा रहे हो तो एक कार्बन और ऐड हो जाएगा उसमें जिसका नाम हो जाएगा प्रोपोनिक एसिड, वो आपका प्रोपोनिक एसिड बन जाएगा। आई होप आपको पहला समझ में आएगा, दिस इज द फर्स्ट, ये मैंने फर्स्ट कराया किटीन के साथ। सेकेंड आता है मेरे पास, अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, दिस इज आर सी एच डबल बॉन्ड आपका था यहाँ पे और यहाँ पे, और मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पर सी एच पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड हो और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब मैं इसके अंदर सेकेंडली ऐड कर रही हूँ अपना एन एच थ्री, मैंने इसमें एन एच थ्री ऐड किया, तो एन एच थ्री कैसे ऐड होता है आपको पता होगा, एन एच थ्री ब्रेक होता है एच प्लस के अंदर और आपके एन एच टू नेगेटिव के अंदर, तो बेसिकली प्लस वाले को प्लस के साथ लगाओ, माइनस वाले को माइनस के साथ लगाओ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड हो एन एच टू, और इसे आप क्या कहते हो, एसिड अमाइड या फिर अमाइड, आप इसे क्या कहते हो, या तो आप इसे एसिड कहते हो मतलब एसिड अमाइड कहते हो, और या फिर आप इसे सिंपली अमाइड भी बोल सकते हैं। आई थिंक सो दैट आपका ये सेकेंड पार्ट भी इसका क्लियर हो गया होगा। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करती हूँ तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, सपोज मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया आर सी एच, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पॉजिटिव होगा। सो बेसिकली अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एल्कोहलिक ग्रुप। अब मुझे पता है कि एल्कोहलिक में एच के ऊपर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, तो मेरे पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, नेगेटिव वाले के साथ प्लस चला जाएगा, यहाँ बेसिकली आर सी एच टू बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप आपका आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का हो गया, यहाँ पर अमाइड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर आपका कार्बो, और मैंने यही लिखा था कि अगर आप वाटर यूज़ करोगे, यहाँ रिस्पेक्टिवली लिख देना, वाटर यूज़ करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अमोनिया यूज़ करोगे तो अमाइड बनेगा, अल्कोहल यूज़ करोगे तो एस्टर ग्रुप बनेगा। आई थिंक सो दैट आपको ये वाली बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी पढ़ लेते हैं कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, पेपर में क्योंकि क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें क्या पढ़नी पड़ेंगी इसकी एप्लीकेशन एग्जाम के पॉइंट से, और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम को देखो तो वहाँ से भी इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। तो मेरी सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये क्या कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है एक लोअर जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि इथोनिक को, इनटू किस में कन्वर्ट करता है, इनटू आपके हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में, इस किस में कन्वर्ट करेगा, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। पहली एप्लीकेशन हम इसके सामने डिस्कस करेंगे, हमारी पहली एप्लीकेशन होगी, जैसे एग्जामिनर ने सिंपली हमें कहा, आपको एग्जामिनर ने कहा कि आपके पास है एम ई, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है, यहाँ पर कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर आपका सी एच टू ग्रुप है, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना रखा है। अब मैं सबसे पहले सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं सबसे पहले इसके अंदर उसने दे रखा है कि SOCl2 को डाल दो। अब जैसे ही मैंने इसमें थायमिल क्लोराइड को डाला तो मेरे पास, मुझे सबसे पहला स्टेप याद होना चाहिए कि मेरा HCl रिमूव होगा। अगर यहाँ से HCl रिमूव होता तो कार्बन के पास इथाइल था, यहाँ मेरा फिनाइल था, यहाँ मेरा CH2 है, राइट, और यहाँ पर अपना सी डबल बॉन्ड OCl, क्लियर। अब मेरे को पता है कि इसके बाद मुझे क्या करना होता है, इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ अपना डाइएजोमीथेन, दिस इज CH2N2, तो N2 पे प्लस, यहाँ माइनस, तो डायजोमीथेन कहाँ अटैक करता है, इस कार्बन पे, और इस क्लोरीन को बाहर करता है, और मेरे पास फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज द मिथाइल, दिस इज कार्बन, दिस इज इथाइल, देर इज फिनाइल, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आ जाएगा CH2 नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन, राइट। अब फिर उसके बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसका फोटोलिसिस करते हैं, यानी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और नाइट्रोजन को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, कार्बन भी आप यहाँ पे लिखेंगे, जब आप यहाँ से क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को रिमूव कर देंगे, मेरी जैसे यहाँ से नाइट्रोजन गैस जाएगी, आई विल बी मेक दैट देर कार्बन इथाइल आ जाएगा, यहाँ पर आपका फिनाइल आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CH के साथ रेडिकल, राइट। अब इसके बाद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है,
बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइग्रेशन टाइप हो जाएगा, ये सारा का सारा कंपाउंड, ये वाला सारा का सारा कंपाउंड इसके यहाँ पर आएगा। यही चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, यही चीज़ हमने सीखी है। तो मैं, मेरा जो यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मिथाइल कार्बन, कार्बन के साथ एक इथाइल आ जाएगा, यहाँ पर आपका फिनाइल आ जाएगा, यहाँ पर आपका CH2, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2। मैंने इसके साथ कर दिया ना कनेक्ट, ये मेरा CH2 के साथ, इस वाले CH2 के साथ। एक सेकेंड, देर इज मिस्टेक, एनी यहाँ पे CH नेगेटिव था ना, ठीक है, हाँ तो ये रिमूव हो गया ना, ठीक है, सही है सही है, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 और इसके साथ CH और CH के साथ C डबल बॉन्ड हो, हाँ यही फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आता है, ठीक है ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ से आप क्या करने वाले हो, ये बनने के बाद आपको पता है आप यहाँ पर क्या करते हो, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो और उसके अंदर आप वाटर का एडिशन कराते हो। अब जैसे ही यहाँ पर वाटर का एडिशन कराओगे तो आपके पास बन जाएगा मिथाइल, कार्बन पर इथाइल, यहाँ पे फिनाइल, कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर देखिए CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखती हूँ तो क्वेश्चन में कितने कार्बन थे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 कार्बन थे बट आपके प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5, तो यानी बेसिकली क्या हुआ कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। ये आपकी पहली एप्लीकेशन थी, आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद आता है मेरा सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है, मेरा यहाँ पर आता है सेकेंड एप्लीकेशन। देखिए सेकेंड एप्लीकेशन में क्या होगा, बेसिकली आप हेडिंग भी बना सकते हैं कि विद अ साइक्लिक अल्फा डाइएजोकिटोन द रीअरेंजमेंट लेड टू बी द रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हम, हमारे पास क्या होता है विद अ साइक्लिक, जब हमारे पास साइक्लिक हमें नजर आएगा एग्जाम में, साइक्लिक अल्फा डाइएजोकिटोन, ये तो आप पहचान सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि डाइएजोकिटोन है या नहीं है, और उसके बाद आप उसका क्या करा रहे हो, रीअरेंजमेंट करा रहे हो और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा वहाँ पर आपकी रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, यानी रिंग अगर 5 की है तो 4 की बन जाएगी, 6 की है तो 5 मेंबर की बन जाएगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, मेरे पास ऐसे होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपके पास एक बॉन्ड यहाँ होगा और मान लेते हैं कि ये आपको एग्जामिनर ने दे रखा है कि एक डाइएजोकिटोन है, क्या ये मेरा डाइएजोकिटोन है, तो बच्चों डेफिनेटली आप इसे देखकर इतने पोर्शन को बता सकते हो कि डाइएजोकिटोन है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन करने वाले हैं। सबसे पहले होता है हमारा एलिमिनेशन, हमने यही सीखा था, H+ को रिमूव करते हैं, तो यहाँ वाला जो नाइट्रोजन से नेक्स्ट वाले कार्बन से जो कनेक्ट होता है हाइड्रोजन, उसका एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर उसका एलिमिनेशन हो जाता है तो मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरे पास कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन और यहाँ पर आपका अभी क्या जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। अब मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ क्या करना, फोटोलिसिस करनी है, हीट लाइट की प्रेजेंस में काम करना है मुझे, लाइट की प्रेजेंस में काम करना है, फोटोलिसिस करनी है, ठीक है, और यहाँ से वो करने से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। अब जैसे नाइट्रोजन गैस रिमूव होती है तो देखो मेरे पास किसका फॉर्मेशन आएगा, मेरे पास जो फॉर्मेशन आ जाएगा वो कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर इस तरह से आएगा और ये मेरे क्या बन जाएंगे, कार्बिन। अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, रीअरेंजमेंट करने वाली हूँ। रीअरेंजमेंट करूँगी तो देखो ध्यान से, ये 6 मेंबर की रिंग कनेक्ट हो जाएगी किसके साथ, यहाँ से एक कार्बन आपका क्या हो जाएगा, रिमूवल कैसे होगा वो देख सकते हैं आप, क्योंकि अटैक होगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैक होगा जी, सीधा सीधा अटैक होगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, बनेगा एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है, एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 7 वाली जो रिंग बनेगी वो आपकी 5 मेंबर की रिंग बनेगी और उसमें यहाँ पर आ जाएगा, मतलब वो जो 6 मेंबर की रिंग का एक कार्बन था वो इस पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ पर CH हो गया और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O गया, राइट। अब इसके बाद आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, सपोज आपने इसके अंदर ROH को डाल दिया, ROH डालने का मतलब होता है कि आप एस्टर का एडिशन करेंगे, मतलब एस्टर बनाने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, अभी बताया था कि यहाँ पर हमारा बन जाता है एस्टर, CH2COOR ग्रुप, दिस इज द एस्टर, तो ये मेरे पास फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि अगर आपके पास अल्फा डाइएजोकिटोन का दे रखा है साइक्लिक फॉर्म में तो उसमें पक्का रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक रिंग आपकी क्या हो जाएगी, जहाँ पर भी डाइएजोकिटोन ग्रुप लगा हुआ है वही वाली रिंग एक नंबर से स्मॉल कर देंगे, ठीक है। अब मेरे पास थर्ड रिएक्शन, थर्ड इसका जो आता है एप्लीकेशन पार्ट, थर्ड एप्लीकेशन पार्ट के अंदर क्या है कि हमारे पास इसमें वन द रीअरेंजमेंट इज कैरिड आउट इन वंस ऑफ द लाइट कंडीशन देन सेम ऑफ द कीटो ग्रुप कार्बिन ओरिजिनली फॉर्म्ड रीअरेंजमेंट टू द कार्बिन फॉर्म बाय द ऑक्सीरीन। अब यहाँ ऑक्सीरीन का क्या सीन होता है, चलिए ऑक्सीरीन देखते हैं, यह लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीरीन, इसकी थर्ड एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीरीन। ऑक्सीरीन क्या होता है, क्योंकि नाम पहली बार सुना होता है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं, वेरी सिंपल है, RCO होगा आपके पास, कार्बन होगा यहाँ पे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन और यहाँ पर आपका आर डैश ग्रुप होगा, राइट। मैंने सबसे पहले फोटोलिसिस करके नाइट्रोजन गैस को क्या किया, रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड हो सी और यहाँ पर आर डैश और इसके ऊपर एक रेडिकल आता हुआ नजर आ रहा है। अब बेसिकली ये वाला यहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो फॉर्मेशन किसका होगा, यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पर यही चीज़ समझने की है कि ये वाला जो हमने बनाने की कोशिश करी है इसमें ये ना होकर कैसे होता है। देखिए इसको मैं दिखा देती हूँ अगेन करके, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे, कि ये चीज़ जैसे यहाँ पर हमने डाली, ये काम करते हैं इसको हम नेक्स्ट पेज पे ना ऐसे करते हैं, हाँ इसको आप नीचे वाली साइड से करो ताकि समझ आए। आपने क्या करना है, ये वाला जो हमारे बॉन्ड है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पर देना है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली कहाँ अटैक करेगी, ये जाकर अटैक करने वाली है मेरे इस कार्बन पे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और मेरे पास फॉर्मेशन किसका होगा, देखो आर ग्रुप है, आर के साथ मेरा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इस आर डैश के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है ना ये। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन के साथ आर डैश आ जाएगा, ठीक है, कार्बन के साथ क्या जाएगा, या फिर एक काम करो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ये हाइड्रोजन नहीं आएगा ना, यस, और इनके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगी, इनके बीच में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, क्लियर है। बेसिकली इस रिएक्शन का ना एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जब इस रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं तो इस रिएक्शन में ना हमारे एक कार्बन पर नंबर आता है 14, ये वाला मेरा 14 नंबर, यानी कि 14 जो आपका एटॉमिक जो आपका मास नंबर है 14 से यहाँ पर चलता है। अब इसका हाईलाइट है, इसका आइसोटोप है 14, तो इसमें आइसोटोप ये हो गया 14, इसमें कौन सा आइसोटोप 14 है आपका, ये आपका 14 आइसोटोप है, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कार्बन अलग है, वो वाला कार्बन अलग है। अब इसी को कहा जाता है जी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीजन फॉर्मेशन। इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली क्योंकि तीन मेंबर की रिंग है इतनी ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होती, तो बेसिकली ये बॉन्ड यहाँ फिर से आएगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, इधर ब्रेक कर देगा। तो मेरे पास फॉर्मेशन हो जाएगा आर सी, ठीक है, आर सी, यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड बन गया था, यहाँ पर आ जाएगा आपका कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आपका आर डैश ग्रुप, ठीक है, इस कार्बन के साथ आ गया आपके नेगेटिव लोन पेयर। अब ये कहाँ जाएंगे, ये वापस से यहाँ जाएंगे, ये वापस यहाँ जाएंगे तो आपका जो आर ग्रुप है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, आर डैश ग्रुप, आर डैश ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आर सी आर डैश और यहाँ पर आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा कुछ बन जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं होता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन से आपका ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया। अब मैं आपको एक पेपर में क्वेश्चन दिखा देती हूँ, पेपर में क्वेश्चन कैसे आया था, पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसने आपको कहा कि आपके पास ऐसे बेंजीन रिंग है, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, नाइट्रोजन गैस है आपकी, आपने इसमें क्या डाल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद एग्जामिनर एक रिएजन नहीं लिख के देगा, आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि इतने सारे रिएजन किस रिएक्शन के अंदर थे, ठीक है, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। एच एम यू और फिर यह आप यूज़ कर सकते हो Ag2, ये भी लाइट का काम करती है, और पानी सबसे लास्ट में, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका वॉल फ्री अरेंजमेंट होने वाला है। वॉल फ्री अरेंजमेंट के बाद उसने सिंथेसिस के लिए भी दे रखा है वाटर दे रखा है, तो बेसिकली NO2 को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बट इसका जरूर क्या हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, किटीन बन जाएगा, इसका क्या बनेगा, किटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, किटीन, यहाँ पर मेरा आ जाएगा दिस इज किटीन। अब किटीन के अंदर हमने क्या डाला है, किटीन के अंदर हमने वाटर डाला है। मैंने आपको अभी अभी पढ़ा है कि जितने कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे होते हैं उससे एक ज़्यादा बनता है, वॉल फ्री अरेंजमेंट में उससे एक क्या बनता है, ज़्यादा बनता है। अगर ज़्यादा बनेगा तो NO2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH2 COH, एक ही CH2 आएगा, सॉरी दो नहीं आएंगे, एक आएगा CH2 COH, तो ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स्ट्रा बन गया। सो दिस इज़ द वॉल फ्री अरेंजमेंट। आई होप मैंने अपनी तरफ से आपको सारे पॉइंट क्लियर करे हैं वॉल फ्री अरेंजमेंट के। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी किसी भी रिएक्शन में किसी भी मैकेनिज्म में डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। बाकी आप वीडियो को बताइए आपको कैसा लग रहा है, नेम रिएक्शन हम कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, सब कुछ आपको डाटा देखने को मिल रहा है। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।